सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल्स। फ्रेंड्स, आज जो मैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाला हूं वो है 11th का बायोलॉजी प्रैक्टिकल। और वो कौन सा बायोलॉजी प्रैक्टिकल है? एक्सपेरिमेंट नंबर 3, बायोकेमिकल टेस्ट। और इस बायोकेमिकल टेस्ट में बेसिकली हम करने क्या वाले पता है? हम स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स को क्या करने वाले? आइडेंटिफाई करने वाले। और ऐसे प्रैक्टिकल्स बहुत जेन्युइन और बहुत ही कम चैनल पे प्रेजेंट है। मेरा चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड 11th और 12th सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है इस चैनल पे। अगर आपको सारे प्रैक्टिकल्स अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें और मुझे प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स नाउ। फर्स्ट टेस्ट इज व्हाट? हम पहले स्टार्च का टेस्ट करेंगे। सो स्टार्च के टेस्ट के लिए आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। आपके हैंडबुक में दिया हो, आप कोई भी ग्रेन्स यूज कर सकते हैं, लाइक गेहूं का, लाइक बीट, ठीक है, राइस यूज कर सकते हो, ठीक है, चावल वगैरह। नाउ मैं यहाँ पे पोटैटो यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? पोटैटो। अब हमें पोटैटो में देखना है कि क्या इसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। तो जनरली एक यहाँ पे टेस्ट होता है, हमारे पास होता है ये आयोडीन का सैंपल, आयोडीन सोल्यूशन होता है। अब इस आयोडीन सोल्यूशन करता क्या है? सो हमें इसको क्या करना रहता है कि हमें इसको थोड़ा सा आइस करना है और इसके ऊपर हमें फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन के क्या करने पुट करने हैं। अगर आयोडीन का जो कलर है, अगर इस पे अगर आयोडीन का कलर, अगर इसमें ब्लू कलर अपियर होता है इस पोटैटोस के लेयर्स के ऊपर, तो यहाँ पे स्टार्च बेसिकली क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। बेसिकली आयोडीन ना स्टार्च के साथ में रिया करके कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि टोटली ब्लू कलर का होता है। सो लेट्स डू विद दिस। हम क्या करते हैं, इस पोटैटो का एक स्लाइस पीस कट करते हैं, ठीक है, और इसको कट करने के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे, इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन के पुट करेंगे और इसको चेक करेंगे कि क्या उसमें ये चीजें प्रेजेंट है। मैंने फिलहाल पोटैटोस को एक स्लाइस में क्या कर लिया, कट कर लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं स्लाइस में पोटैटोस का यहां पे कट कर लिया। नाउ आई एम पुटिंग हियर, दिस इज अ आयोडीन सॉल्यूशन एंड आफ्टर पुटिंग दिस आयोडीन सॉल्यूशन इफ ब्लू कलर इज अपीयर सो देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? स्टार्च, ठीक है। सो लेट्स डू विद दिस, ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है। फाइनली मैं यहां पे ड्रॉपर के थ्रू इसको निकाल लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे इसको यहां पे पुट करता हूं। इफ ब्लू कलर इज अपियर्स सो देन, देख रहे हो इसका कलर कैसा है? वायलेट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। सो अगर मुझे ब्लू कलर मिलता है तो यहाँ पे स्टार्च क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, ठीक है। नाउ सी हियर, आफ्टर सम टाइम, नाउ सी हियर, सो देयर इज अ ब्लू कलर इज अपियर्स इन दिस पोटैटो स्लाइस कटेड पीस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको ब्लू कलर अपियर हो रहा होगा। सो दैट विल रिप्रेजेंट दी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? स्टार्च, ठीक है। अगर ये ब्लू कलर आता है आपकी किसी भी वीट ग्रेन में, ठीक है, या फिर राइस में, किसी में भी आता है, तो आप समझिए कि उसमें स्टार्च क्या है आपका? प्रेजेंट है। सो अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम टेस्ट नंबर 2 परफॉर्म करते हैं, टेस्ट फॉर व्हाट? सुगर। तो सुगर के लिए आपको कोई भी एक जूसेस ले लेने, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सुगर कैन जूसेस, ठीक है। तो सुगर कैन मतलब गन्ने का जूस, या फिर कोई भी आप जूस लीजिए जिसमें सुगर क्या हो प्रेजेंट, या फिर वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि जो भी आपको जूसेस दी जाएंगी उसमें आपको क्या ऐड करना है? आपको ऐड करना है बेनेटिक रिएजेंट। सो दिस इज व्हाट बेनेटिक रिएजेंट, इसको बहुत ही थोड़ा सा इसमें क्या करना है? ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के बाद इसको हल्का सा हमें बॉईल करना होगा, और बॉईल करने के बाद अगर आपको वायलेट या फिर येलो वायलेट या फिर रेड कलर में कुछ भी अपीयर होता है तो आप समझिए कि इसमें शुगर का कंटेंट क्या है? प्रेजेंट है। फाइनली मैंने इसको जब इसमें ऐड किया, ठीक है, तो ये ब्लू कलर में ही अपीयर्स हो रहा है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा? हीट करूंगा, एंड आफ्टर हीटिंग्स क्या हो जाना चाहिए? वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तब ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे शुगर्स क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। तो चलो हम इसको फटाफट हीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बर्नर्स मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो सुगर कैन का सोल्यूशन, इसमें मैंने बेनेटिक सोल्यूशन ऐड किया, इसको मैं हीट करूंगा, एंड आफ्टर हीटिंग इफ आई विल अपीयर द वायलेट कलर, ठीक है, येलो वायलेट कलर, ठीक है, रेड इज ब्राउन, या फिर ऐसा कुछ कलर्स आता है तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ये सुगर कैन, सुगर, ठीक है। सो इसको पर्टिकुलरली हीट नहीं करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा हीट करना है, थोड़ा थोड़ा इसको हटा लेना है। सो नाउ सी हियर, अब यहाँ पे कलर चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि फाइनली यहाँ पे कलर चेंज होने शुरू हो गए। नाउ सी हियर, दिस इज अ ऑरेंज एंड येलो कलर्स, लाइक ऑरेंज और येलो कलर्स में ये अपियर हो रहा है, हल्का ब्राउनिश में भी है, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंट कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सुगर्स, ठीक है। सो बेनेटिक के बाद ये ऐसा कुछ टेस्ट देता है, सो दैट इज अ फाइन टेस्ट, ठीक है। अब आपको ये टेस्ट दिख रहा होगा। सो अब मैं टेस्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, टेस्ट फॉर फैट्स। तो फैट्स के लिए मैं यहाँ पे ग्राउंडनट्स यूज कर रहा हूँ, दैट इज ये आपको दिख रहे होंगे सिंग दाने वगैरह, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आपके एक्सपेरिमेंट में क्या है, इसको थिन सेक्शन में कट करना है और कुछ केमिकल की हेल्प से ना इसको आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, तो सारी चीजें हम देखने वाले। तो कैसे कैसे आपको स्टेप करना है बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। सो लेट्स डू विद दिस। सो पहले आपको क्या करना है, आपको पहले जो ग्राउंडनट्स आप ले रहे हो, ठीक है, उसको थिन सेक्शन में क्या करना है? कट कर देना, बहुत ही थिन सेक्शन में हम इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे, ठीक है।
कट करने में भी कितना प्रॉब्लम्स हो रहा है, मतलब बहुत ही पतला सेक्शन अगर नहीं रहेगा तो आपका फिर इस पे आएगा नहीं अच्छे से, क्या बोलते हैं स्लाइड्स पे। मैं इसको क्या करूँगा, फोर्सेप की हेल्प से, अभी सुडान मेरे पास 3 सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें इसको पुट कर दूंगा। ठीक है, इसको सुडान 3 में मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, और उसको 10 मिनट तक इसमें क्या करूँगा, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स बाद ही मैं इसको देखूंगा। सो फाइनली 10 मिनट्स हो चुके हैं अभी। अब देखिए, ये जो सूडान में सूडान सॉल्यूशन में जो मैंने ये ग्राउंड नट्स को जो डीप किया था, वो 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसको क्या करना है, इसको आपको 50% अल्कोहल से ना वॉश करना है। ठीक है, सो मैं 50% अल्कोहल से इसको क्या करूँगा, फाइनली यहाँ पे वॉश करूँगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये मेरे पास मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल है, और इसको मैं इससे क्या करूँगा, वॉश कर दूंगा हल्का सा। सो आफ्टर ये वॉश हो जाने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको दूसरे वॉश ग्लास में निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये फाइनली वॉश हो चुका है। अब इसको मैं वाटर से वॉशिंग दूंगा। किससे वॉशिंग दूंगा, वाटर से। ठीक है, एंड आफ्टर वाटर से वॉशिंग देने के बाद हम इसको ग्लिसरीन में रख देंगे। वाटर से वॉशिंग होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ग्लिसरीन में रख देंगे। ठीक है, सो ये फाइनली मेरे पास ग्लिसरीन है। हल्का सा इसमें क्या ऐड कर दूंगा, ग्लिसरीन ऐड कर दूंगा। बेसिकली ग्लिसरीन से क्या, इसका मॉइस्चर ना बना रहता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस ग्लिसरीन। अब मैं फटाफट एक स्लाइड तैयार कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास स्लाइड है, ठीक है, ग्लास स्लाइड। ठीक है, अब मैं फोर्सेप की हेल्प से क्या करूँगा, ये जो पीस है इसको मैं, जिसको मैंने ग्लिसरीन में डीप किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो ग्लास स्लाइड पे रख दूंगा। एंड आफ्टर ये हमारे पास है कवर स्लाइड्स, ये मेरे पास है कवर स्लाइड। अब आपको कवर स्लाइड्स को कैसे रखना होता है, आपको कवर स्लाइड्स को इसकी हेल्प से रखना होता है। ठीक है, देखिए नीडल्स तो नहीं मेरे पास, ये कैपिलरी है, मैं इसकी हेल्प से रख रहा हूँ बिकॉज अभी नीडल्स नहीं है इस टाइम। सो आपको बिल्कुल इसके बेस को, दूसरे वाले बेस को, तो इसके कवर स्लाइड का जो ये दूसरा वाला हिस्सा है उसको ग्लास स्लाइड्स के ऊपर रखूंगा और इसको इस पे सपोर्ट लूंगा। ठीक है, नीडल्स पे। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसकी हेल्प से इसको करना होता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है इसमें एयर बबल्स जा सकते हैं। ठीक है, दिखा नहीं। सो फाइनली ये यहाँ पे हो चुका है। सो अब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि इसका कैसा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये ग्लास स्लाइड यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो नाउ आई एम गोइंग टू सी दिस थिंग्स इन माइक्रोस्कोप। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करता हूँ, स्लाइड्स को यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप मेरे बाजू में इमेज देख रहे होंगे। सो ये आपको गोल राउंड राउंड स्पेरिकल रेड में दिख रहा होगा, लाइट रेड, लाइट इंटेंस रेड में दिखता है। सो यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे बेसिकली फैट्स हमारा क्या है, इस ग्राउंड नट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, टेस्ट नंबर डी स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोर टेस्ट, टेस्ट फॉर व्हाट, ये प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। सो फाइनली मैंने यहाँ पे एग वाइट लिया हुआ है। ठीक है, आपको बहुत सारी तूर दाल, दाल ये सब जितने दाल वाली सब्सटेंसेस होते हैं उसका भी पेस्ट बना के यूज कर सकते हो। तो एग बहुत ही इजी सोर्स है, इसके लिए मैंने इसको कलेक्ट कर लिया है। सो अब मैं क्या करूंगा, इस एग को इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सैंपल्स। ठीक है, तो 2 ml में क्या करूंगा, ये कलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू एड वॉट, 1 ml ऑफ 10% 20% एनुअल सोल्यूशन। सो ये मैंने 20% एनुअल सोल्यूशन बनाया है और ये 1% मेरा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये 10% ऑफ एनुअल सोल्यूशन है और ये 1% ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। दोनों को मैं फ्यू फ्यू ड्रॉप्स, मतलब कुछ कुछ ml इसमें क्या करूंगा, ऐड करूंगा।
तो इसको मैं ऐड करने वाला हूँ 1 ml। सो देखो इसको ऐड करने पर क्या मिलेगा, अगर मुझे वायलेट कलर अपियर होता है ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स प्रेजेंट हो जाएगा। तो मैं इसको डालूंगा यहाँ पे 1 ml, इसको शेक करूंगा हल्का सा, और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या ऐड करने वाला हूँ, 1% KOS सोल्यूशन, 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ठीक है। सो इफ आई विल गेट वॉट, वायलेट कलर ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ आई विल गेट अ वायलेट कलर एंड इट विल रिप्रेजेंट कि देर इज अ प्रेजेंस ऑफ वॉट, प्रोटीन्स ठीक है। अच्छा आपको बहुत ही अच्छा वायलेट कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड दिस विल रिप्रेजेंट देर इज अ प्रेजेंस ऑफ वॉट, प्रोटीन्स ठीक है। तो आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आप बस एक काम करिए, इस पे 11th 12th से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, आप इस वीडियोस को देखिए, फिजिक्स के भी वीडियोस हैं, केमिस्ट्री के भी वीडियोस, सारे प्रैक्टिकल्स के वीडियोस, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।